हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रैवल वी में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको यूटीएल गामा प्लस की सेटिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट आते रहते हैं कि बताइए कि यूटीएल गामा प्लस की बेस्ट सेटिंग क्या है। और यह भी एक क्वेश्चन उठता है कि आप सोलर इन्वर्टर तो आप अपने घर में इंस्टॉल कर लेते हैं, बट आपका बिजली का बिल उतना कम नहीं होता है जितना कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको यूटीएल गामा प्लस की बेस्ट सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका बिजली का बिल भी काफी कम हो जाएगा और आपकी बैटरी की लाइफ काफी इंक्रीज हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड पर देखिए, तभी आपको इसकी सेटिंग के बारे में आसानी से पता चल पाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब हम यूटीएल गामा प्लस की सेटिंग के बारे में देखते हैं। जैसा कि इसका डिस्प्ले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर यह डिस्प्ले, यह इसका वोल्टेज है, सोलर पैनल का वोल्टेज, हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है, और यहाँ पर यह वोल्टेज है 219 वोल्ट जो कि यूटीएल गामा प्लस जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर जो एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है 0.9, और बैटरी के वोल्टेज 13.6 हैं और फ्रीक्वेंसी लगभग 50 हर्ट्ज है और सोलर अभी एब्सेंट है। तो ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो इसने जनरेट कर दिए गए हैं, और यहाँ पर ये सोलर पैनल का एम्पियर है क्योंकि सोलर अभी एब्सेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला यह मोड है आईटी मोड। सेंसिटिव अप्लायंसेस चला सकते हैं जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर एटसेट्रा। और यहां पर यह देखिए, अगर इसको आप 3 टाइम्स जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे तो आईटी मोड ऑफ हो जाएगा, और अगर इसको 3 टाइम जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे तो आईटी मोड ऑन हो जाएगा। इस तरह से आईटी मोड ऑन हो गया। यह है बैटरी सिलेक्शन के लिए मोड। अगर आप ड्राई बैटरी यूज कर रहे हैं यानी एसएमएफ, तो इसको ऑन कर दीजिए, और अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहे हैं तो इसको ऑफ रहने दीजिए। डिफॉल्ट इसमें ट्यूबुलर बैटरी का ही मोड आता है, और यहां से आप इसको, इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और यह है बूस्ट चार्जिंग का मोड। अगर आप ग्रिड से चार्जिंग कर रहे हैं तो विदाउट बूस्ट चार्जिंग यह 10 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करेगा ग्रिड से, और अगर आप इसको ऑन कर देंगे, इसी बटन को अगर आप 3 टाइम प्रेस करेंगे तो बूस्ट चार्जिंग का मोड ऑन हो जाएगा, और अब बैटरी 15 एम्पियर से चार्ज होगी। इस तरह से तो अब बैटरी 15 एम्पियर से चार्ज होगी। और यहाँ पर यह डीजी मोड है। यह मोड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मोड है, और साथ ही साथ यह ग्रिड चार्जिंग मोड भी है। तो अगर आप इस लाइट को ऑन कर देंगे तो यानी कि ग्रिड चार्जिंग ऑफ हो जाएगी। तो इस लाइट को हमेशा ही ऑन रखिए। आप इस बटन को अगर 3 टाइम प्रेस करेंगे तो यह लाइट ऑन हो जाएगी। इस तरह से देखिए, अभी ऑन होगी, देखिए इस तरह से, यानी ग्रिड चार्जिंग अभी ऑफ हो गई है जब यह लाइट ऑन है। और ऐसा ही रखिए, इससे आपकी यूनिट काफ़ी सेफ होगी, क्योंकि अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो मॉर्निंग में तो सोलर से बैटरी चार्ज हो जाएगी, बट जितनी बैटरी डिस्चार्ज होगी वह रात में फिर से ही ग्रिड से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपके बिजली के बिल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप हमेशा ही ऑन ही रहने दीजिए, जिससे ग्रिड चार्जिंग हमेशा ऑफ रहेगी। इस लाइट को हमेशा ऑन रखिए, क्योंकि बैटरी चार्ज होते वक्त लगभग 300 वाट तक पावर कंज्यूम होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और इससे आपके बिजली के बिल में फर्क नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप इन दोनों बटन को अगर आप प्रेस करेंगे, बूस्ट चार्जिंग और आईटी मोड को साथ में 15 सेकेंड के लिए, तो आप इसके कैलिब्रेशन मोड में चले जाते हैं। तो बेस्ट सेटिंग में बताने वाला हूँ, देखिए नीचे वाले बटन से आप नंबर को डिक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और ऊपर वाले बटन से आईटी मोड से आप नंबर को बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, इससे नंबर घटेंगे और ऊपर वाले से नंबर बढ़ेंगे। तो यह लो कट ऑफ है बैटरी का, आपको कितना लो कट ऑफ सेट करना है। डिफॉल्टली इसमें 10.5 आता है, तो हम इसी पर ही इसको रहने देंगे। फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मैं इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टिप्स मिलती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर यह बूस्ट चार्जिंग बटन को अगर हम वन टाइम प्रेस करेंगे तो जो इसमें हम चेंजेस करेंगे वो सेव हो जाएंगे और नेक्स्ट डिस्प्ले ये शो कर देगा, नेक्स्ट सेटिंग शो कर देगा। देखिए इस तरह से अभी मैंने बूस्ट चार्जिंग को प्रेस किया था, अब ये बैटरी का हाई कट ऑफ है तो इसको डिफॉल्टेड 16.5 ही रहने देते हैं। अब बूस्ट चार्जिंग को फिर से प्रेस किया है तो यहाँ पर जो बैटरी के बल्क वोल्टेज हैं वो आ जाएंगे, तो इसमें डिफॉल्टेड 15 ही सेट होता है, तो हम 15 ही रहने देंगे, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे बैटरी के वोल्टेज में। देखिए यह सोलर पैनल का बल्क वोल्टेज है जो कि दिखा रहा है, इतने वोल्टेज से बैटरी चार्ज होगी, और यह फ्लोट वोल्टेज है जो कि 14.2 वोल्ट है जो कि सोलर पैनल से करंट आएगा, तो इस वोल्टेज से बैटरी चार्ज होगी। और यहाँ पर यह मेंस का बल्क वोल्टेज है 14.5 जो कि डिफॉल्टेड है इसमें, तो हम डिफॉल्टेड ही रहने देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मेन से फ्लोट वोल्टेज है 13.8 वोल्ट जो कि हम रहने देंगे। यहाँ पर यह सोलर पैनल का एम्पियर है जो कि डिफॉल्टेड है 18 एम्पियर, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, यह बैटरी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पर जो मेंस का एम्पियर है विदाउट बूस्ट मोड बैटरी 10 एम्पियर से चार्ज होगी जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम सेव करेंगे बूस्ट चार्जिंग वाले बटन से और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी इंडिया में 15 हर्ट्ज यूज होती है और आउट ऑफ इंडिया 16 हर्ट्ज यूज होती है। यहाँ पर ये तो हम 15 हर्ट्ज ही रहने देंगे और यहाँ पर बैटरी कट ऑफ वोल्टेज 11.8 है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और फिर से हम दोबारा से लो कट ऑफ वोल्टेज पर पहुँच गए। तो इन सारी सेटिंग को सेव करने के लिए हम बूस्ट चार्जिंग वाले बटन को 15 सेकेंड तक प्रेस करेंगे, तो यार ये सारी सेटिंग जो हमने चेंज की है वो सेव हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर ये सारी सेटिंग चेंज हो गई है और यहाँ का डिस्प्ले ये फिर से मूव करने लगा है। डिस्प्ले को होल्ड करने के लिए हमें ग्रिड चार्जिंग वाला जो बटन है उसको वन टाइम प्रेस करना होगा जिससे डिस्प्ले होल्ड हो जाएगा। और देखिए अब हम इसमें 3 मोड्स दिए गए हैं, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड और पीसीयू मोड। तो इस तरह से देखिए अगर हम बूस्ट चार्जिंग वाले बटन को 15 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो हम इस मोड में पहुंच जाएंगे और ऊपर वाले बटन से हम मोड का सिलेक्शन कर सकते हैं, एसएमएफ वाले बटन से नीचे आ सकते हैं और आईटी मोड से ऊपर जा सकते हैं। तो इसको सेव करने के लिए हमें ग्रिड चार्जिंग वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा, तो यह सारी सेटिंग चेंज हो जाएगी। इन मोड्स के बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम इसकी सेटिंग के बारे में देखते हैं। देखिए ऊपर अगर हमने किया आईटी मोड को प्रेस किया तो हम हाइब्रिड मोड पे पहुंच गए। हाइब्रिड मोड वाली जो लाइन है वो ब्लिंक करने लगी। अब हम डाउन बटन को शिफ्ट करेंगे तो स्मार्ट मोड पे और पीसीयू मोड पे हम ऐसे ही पहुंच सकते हैं। तो इसको सेव करने के लिए हमें बूस्ट चार्जिंग वाले बटन को फिर से प्रेस करना होगा। देखिए अब हमें स्मार्ट मोड यह सेव हो गया है। तो देखिए इस तरह से आप इसका कैलिब्रेशन इजीली कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर बाय द वे आपसे कोई गलती हो गई है सेटिंग में तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। आईटी मोड और एसएमएफ मोड को आप साथ में 15 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो सारी की सारी इसमें सेटिंग डिफॉल्टेड सेट हो जाएगी जो कि कंपनी की तरफ से आती है। देखिए इस तरह से ये देखिए सेव हो गई, सारी की सारी सेटिंग इसमें डिफॉल्टेड हो गई। दोनों बटन को 15 सेकंड तक आपको प्रेस करना है। देखिए आईटी मोड को ऑन करने के लिए इसको हम 3 टाइम प्रेस करेंगे तो ये आईटी मोड ऑन हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ग्रिड चार्जिंग बटन को ऑन करके आप बिजली की काफ़ी बचत कर सकते हैं
और इस तरह से आप UTL Garmin Plus में आप अपनी मनचाही सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सोलर पे मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए हैं। अगर आपके घर सोलर है या आप सोलर परचेज करने का सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको UTL Garmin Plus की बेस्ट सेटिंग के बारे में पता लग गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।